slithering operation. There comes down the rope, and you'll see the first man coming down and holding the rope as an anchor. Pehla commando niche utra. This is infiltrating into the enemy area from the third dimension. और उसी के साथ साथ हमारे कुछ अन्य कमांडो जो यहाँ स्क्रीन पर अभी नहीं दिख रहा है, हमारे कुछ अन्य कमांडो जमीन के रास्ते ऑल टेरेन व्हीकल्स एवं लाइट स्ट्राइक व्हीकल्स के माध्यम से प्रवेश कर जाते हैं। The enemy communication center will also be very well guarded, like that sentry is there, so that sentry cannot really activate his rest of the troops. We call it a sentry silencing drill. You'll very soon see how the sentry is silenced. वास्तविक में यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स हैं परेड ग्राउंड के दाएं और बाएं। स्क्रीन पर आपको एक दिख रहा है। ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर दाहिनी तरफ एक ऑल टेरेन व्हीकल जमीन के रास्ते कुछ कमांडोज यहां पर आए हैं उसके माध्यम से। ये है वो लाइट व्हीकल जिसकी मैं बात कर रहा था। कमांडोज इसके माध्यम से भी यहां पर अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो हर मार्ग से कमांडोज पहुंचने की सामर्थ्य रखते हैं, आसमान हो, जमीन हो या आवश्यकता हो तो जल मार्ग से भी। वो जो खाकी वर्दी में आप देख रहे हैं वो शत्रु के सैनिक। एंड लुक एट द वे दे विल बी साइलेंस्ड। ऑफ कोर्स It's not going to be chalk and cheese like that. These operations will generally be carried out during the hour of darkness. And Chief with the First Lady of the Indian Army. Yes, sentry has been silenced. Sentry को शांत किया गया। वास्तविक रूप में ये बहुत दूर होता है, वरना शायद आपको लगे कि इतना नजदीक हेलीकॉप्टर था तो सेंट्री को कैसे नहीं पता चला। वास्तविक में ये काफी दूर होता है, जहां लैंड करते हैं उससे काफी दूर जाते हैं और तब हमला करते हैं। उनको पता भी नहीं चलता कि कहां पर लैंड हुए, किधर लैंड हुए। तो इसलिए जो इस यहां की जो हमारी सीमाएं हैं उसके बीच में आपको दिखाया जा रहा है एक अनुमान लगाने के लिए। और अब कमांडोस टारगेट की तरफ चुपचाप बढ़ते हुए, दुश्मन का कम्युनिकेशन सेंटर। अर्ली वार्निंग सिस्टम हैज बीन साइलेंस्ड एंड नाउ देयर In a strict manner, they are moving towards the communication center. And if this बास के सहारे शत्रु पर चढ़ जाएंगे और शत्रु के अंदर घुसे। And if this communication center can be silenced, just imagine what is going to happen in the command and control system. और ये ध्वस्त हुआ शत्रु का कम्युनिकेशन और लॉजिस्टिक सेंटर। हम ध्वस्त करके रेख देंगे, हम पस्त करके रख देंगे। न चाहूं मान दुनिया में, न चाहूं स्वर्ग को जाना, मुझे यह वर देना माता, अगर मैं जन्म लूं फिर से तो हो भारत में ही आना, तो हो भारत में ही आना। एक्चुअली द जॉब हैज बीन डन बट द जॉब इज नॉट कंप्लीट येट। रिमेंबर ऑल दोज हु हैव सीन द मूवी। और अब एक्सट्रिकेशन की कार्रवाई बड़ी तेज गति से आ रहे हैं, आ चुके हैं वापस दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स इन जामबाज विजयी कमांडोज को एक्सट्रिकेट करने के लिए, अर्थात सुरक्षित रूप से यहां से वापस ले जाने के लिए। नाउ ऑल दोस हु रिमेंबर द उरी सिनेमा, द एक्सफिल्ट्रेशन ऑफ द ट्रूप्स हु हैव कैरीड आउट दिस एक्सीलेंट जॉब इज वेरी इंपॉर्टेंट। This task is not completed till the time the ladder roping in operation is completed and they are taken out from the enemy area. So that is the infiltration job done and now this is going to be the exfiltration. The extrication की कार्रवाई इस पूरे operation का सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और जटिल कार्य होता है, क्योंकि जब तक हमला करते हैं तब तक तो आश्चर्य रहता है, शत्रु को पता नहीं रहता, सरप्राइज इज देयर। बट एक बार जब कार्रवाई हो जाती है तो शत्रु को हमारे बारे में पता होता है और वहां से उसके पश्चात भी उसके बीच उसके नाक के नीचे से सुरक्षित वापस विजयी आ जाना,
यही महारत रखता है, जो कि भारतीय सेनाएं इसमें पूरी तरह से पारंगत हैं और हाल ही में पिछले कुछ वर्षों में प्रमाणित किया है बारंबार। Because the point is, the morale of the troops will be very high if they can all be brought back safely. So, job is done but not completed, as we say in army. So now, if they can be taken to our side, then the job will be completed. So, exfiltration is as important as the infiltration and destruction of the objective. In this case, the objective was, of course, the communication center and there.